हर फनकार यही चाहता है कि उसे एक मौका ऐसा मिल जाए जिसमें वो एक शाहकार रच सके। यही चाहत थी संगीतकार स्नेहल भाटकर की, मगर उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिला और वो अकेले ऐसे फनकार नहीं थे जिनकी जिंदगी एक बड़े मौके के इंतजार में गुजर गई। इस सीरीज में ऐसे ही संगीतकारों की जिंदगी की कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही सिनेमा से जुड़ी हस्तियों और इतिहास के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के वीडियो में बात होगी स्नेहल भाटकर की, जिनका नाम आते ही जहन में सबसे पहले ये गाना उभरता है। ये गाना है फिल्म हमारी याद आएगी का, जिसका निर्माण और निर्देशन किया था केदार शर्मा ने। उन्होंने ही पहली बार स्नेहल भाटकर को संगीत देने का मौका दिया था और स्नेहल भाटकर की सबसे ज्यादा फिल्में केदार शर्मा के साथ ही आईं। इससे पहले वो HMV के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बतौर हारमोनियम प्लेयर काम करते थे, मगर वहाँ काम करते हुए वो किसी और के साथ काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। मोहब्बत बने हैं वो दिन सुहाने, खाली दिल था। स्नेहल भाटकर का असली नाम था वासुदेव भाटकर। उनका जन्म 17 जुलाई 1919 में मुंबई में हुआ। उनकी माँ एक टीचर और सिंगर थीं। वो अक्सर हारमोनियम पर भजन गाया करती थीं। अपनी माँ से ही उन्होंने संगीत की बारीकियाँ सीखीं और बचपन में ही तय कर लिया था कि वो एक संगीतकार बनेंगे। उन्होंने भी हारमोनियम सीखा और थोड़ा बड़ा होने पर एक भजन मंडली भी बनाई जो आसपास के इलाकों में परफॉर्म करती थी। फिर उन्हें HMV के म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला, जहाँ उन्होंने करीब 10 साल काम किया। इस दौरान वो बहुत से संगीतकारों से मिले और उनसे बहुत कुछ सीखा। स्नेहल भाटकर ने बाकायदा शास्त्रीय संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली थी, बल्कि जो भी सीखा उस्तादों को देख सुनकर सीखा और अपने रियाज से उसे आगे बढ़ाया। इसीलिए उनका संगीत इतना एक्सपेरिमेंटल है। स्नेहल भाटकर के फिल्मी सफर की शुरुआत तो हुई थी बतौर गायक, जब G.A. चिश्ती ने उनकी गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर उनसे फिल्म कलिया में गीत गवाए। लेकिन बतौर संगीतकार उन्हें पहला मौका दिया केदार शर्मा ने और संगीत देने के लिए उन्हें एक बड़ा अमाउंट भी ऑफर किया था, पर किसी तरह ये बात HMV के ऑफिस तक पहुँच गई और उन्हें साफ साफ कह दिया गया कि वो बाहर काम करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। तब केदार शर्मा ने रास्ता निकाला और स्नेहल भाटकर की नवजात बेटी स्नेहलता के नाम पर वासुदेव की जगह उन्हें नया नाम दिया स्नेहल भाटकर। हालांकि कुछ फिल्मों में उन्होंने B. वासुदेव के नाम से भी संगीत दिया था, पर बाद में स्नेहल भाटकर के नाम से ही उन्हें पहचान मिली। जब केदार शर्मा फिल्म नील कमल का निर्देशन कर रहे थे तो उन्होंने स्नेहल भाटकर को फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी सौंपी। इस फिल्म में उनका नाम B. वासुदेव ही दिया गया है। 1947 में आई नील कमल असल में रंजीत मूवी टोन का प्रोडक्शन थी, जिसका नाम रखा गया था बेचारा भगवान। उस समय फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे जयराज और कमला चैटर्जी, जो केदार शर्मा की पत्नी भी थीं। लेकिन इसी दौरान अचानक कमला चैटर्जी की मौत हो गई और जब महीनों बाद केदार शर्मा इस सदमे से उभरे तब दोबारा फिल्म पर काम शुरू हुआ। अब की बार उन्होंने नई लड़की मधुबाला को हीरोइन लिया, लेकिन जब हीरो जयराज पीछे हट गए तो केदार शर्मा ने अपने साथ काम कर रहे नए लड़के राज कपूर को बतौर हीरो साइन कर लिया। लेकिन इस बात को लेकर बड़ा बवाल हुआ और फाइनेंसर्स ने नए कलाकारों पर पैसा लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन केदार शर्मा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपना प्लॉट बेचा और अपने पैसे से ये फिल्म पूरी की। इस तरह इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन और लेखन उन्होंने ही किया। फिल्म तो बहुत कामयाब नहीं हुई, मगर इसके कुछ गाने बहुत मशहूर हुए। इसके बाद स्नेहल भाटकर ने 1948 की सुहागरात, संत तुकाराम, 1949 की सती अहिल्या और ठेस जैसी फिल्में की। शोभना समर्थ जब अपनी बेटी नूतन के लिए फिल्म बनाने जा रही थी तो उन्होंने संगीतकार के रूप में स्नेहल भाटकर को ही चुना। हमारी बेटी फिल्म शोभना समर्थ की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। इस फिल्म में नूतन ने एक गाना भी गाया था। इसके बाद के दौर में पगले, भोला शंकर, नंद किशोर, गुनाह, आज की बात, बिंदिया, डाकू जैसी फिल्में आईं। मगर इनमें सबसे कामयाब रही 1956 में आई दिवाली की रात।
जिंदगी किस मोड़ पर लाई। इस दौरान केदार शर्मा चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के लिए फिल्में बनाने लगे तो उनमें भी स्नेहल भाटकर ने ही संगीत दिया। जलदीप, हरिया, स्काउट कैंप जैसी इन फिल्मों में संगीत का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। तू अपने मन का दीप जला। और एक बार फिर हिंदी फिल्म छबीली में स्नेहल भाटकर का संगीत सुनाई दिया। ये फिल्म शोभना समर्थ ने अपनी छोटी बेटी तनुजा को लॉन्च करने के लिए बनाई थी। इसके कुछ गाने तो बहुत ही प्यारे हैं। मगर जिस फिल्म के लिए स्नेहल भाटकर को सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो है हमारी याद आएगी। ये गाना दरअसल लता मंगेशकर को ध्यान में रखकर बनाया गया था, मगर वो व्यस्तता के चलते रिकॉर्डिंग पर समय से नहीं पहुंच पाई तो केदार शर्मा ने मुबारक बेगम को बुलाकर ये गाना गवा लिया और इस गाने ने उन्हें वो शोहरत दिलाई कि उसके बाद ज्यादातर फिल्मों में मुबारक बेगम का एक गाना लगभग तय होता था। वो देखो देखा देख रहा था पपीहा, पपीहा देखो देख रहा था। हमारी याद आएगी के बाद आई फरियाद के भी कुछ गीत बहुत अच्छे थे, मकबूल भी हुए, पर स्नेहल भाटकर हमेशा हाशिए पर ही रहे। मराठी सिनेमा में भी उनका संगीत और आवाज सुनाई दी। पहाटे चाया प्रहरी भणा हरी हरी आनंदी आनंद आनंद भरला। मगर एक संगीत में अतुलनीय शाहकार देने की उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। बाद के दौर में हिंदी फिल्म संगीत का स्वरूप भी काफी हद तक बदल चुका था, उसके अनुसार स्नेहल भाटकर खुद को बदल नहीं पाए। 2004 में उन्हें लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया, पर उसके अलावा वो संगीत प्रेमियों के लिए गुमनाम ही रहे और 29 मई 2007 को गुमनामी में ही इस दुनिया से चले गए। भले ही स्नेहल भाटकर कोई संगीत प्रधान फिल्म नहीं दे पाए, मगर उनकी बनाई यादगार धुनों के कारण उनका नाम हमेशा फिल्म संगीत के आकाश पर चमकता रहेगा।